हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शिल्पी एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं शिल्पी हूँ। मैं पोस्ट करती हूँ मेकअप, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड रिलेटेड वीडियोस, ऑल्टरनेटिव डेज एंड कभी कभी तो डेली भी। आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कॉन्टेंट पसंद आता है तो जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, आपको उसको प्रेस करना और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाना है, जिसमें मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस के काफ़ी सारे हॉल शेयर करती हूँ। इवन ब्लॉग्स एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियो भी शेयर करती हूँ। आज का वीडियो होने वाला है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, मिंत्रा जीन्स हॉल। इसमें मैं आपके साथ आपके साथ स्ट्रेट जीन्स, बूटकट जीन्स, रिप जीन्स, सब टाइप की जीन्स शेयर करने वाली हूँ। स्किनी जीन्स भी है। लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर लेना। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल रहती है तो क्या करना है, आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस करके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, मैं स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ, वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है तो बहुत सारी जीन्स नहीं शेयर करने वाली हूँ, लेकिन बेसिक जीन्स शेयर करूँगी जिसको आप ज़रूर 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 चेक कर सकते हो। मतलब आप उनको इतना यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। तो फर्स्ट मैं जीन्स जो आपके साथ शेयर करूँगी वो है ये। पहले तो आप कलर देखो कितना सही है ना, समझ सकते हो कितने सारे आपके टॉप ईयर के साथ ये पेयरअप हो जाएगा। और ये है, मतलब मैंने 4-5 साल पहले H&M से ही स्किनी जीन्स खरीदी, उसके बाद मुझे कोई स्किनी जीन्स अच्छी नहीं मिली। फाइनली जाके एक मुझे अच्छी स्किनी जीन्स मिल गई है जिसका कलर भी बहुत अच्छा है एंड फिट तो मेरे ख्याल से मेरे को अच्छा आना चाहिए, क्योंकि इस बार मैंने 40 लिया है। अगर मैंने थोड़ा सा वेट भी गेन किया होगा तो भी मुझे आ जाएगा। तो अगर आपका साइज़ 28 है तो आप H&M का 40 साइज़ ले सकते हैं, आपको परफेक्ट होगा। इसका साइज़ मैंने आपको बता दिया। स्किनी हाई वेस्टेड है ये, और इसमें यहाँ क्लोजर के लिए जिप है, बटन है, पॉकेट है, और कलर इसमें सिंगल ही अवेलेबल है। लेकिन इसका प्राइस है 1500 में वर्थ है। आग बंद करके अगर आपको स्किनी जीन्स चाहिए तो परचेज कर सकते हैं। मैं बोलूँगी कि एक आपके जीन्स कलेक्शन में एक स्किनी जीन्स होनी चाहिए, कुर्ते के साथ, आपके टॉप के साथ, आपकी शर्ट के साथ, बहुत सारे आपके टॉप वेयर के साथ पेयरअप हो जाती है। तो एक अच्छी स्किनी जीन्स आप ज़रूर ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने ना अभी स्किनी जीन्स एक और ली थी, वो मैंने सोचा शेयर करूँ। वो मिंत्रा से तो नहीं ली है मैंने, वो मैंने ज़ारा से ली है। अभी जब मैंने शॉपिंग की थी अपनी बर्थडे की तब ली थी। तो ये 3000 की है, बट मैं आपको बोलूँगी कि ये वाली ज़्यादा अच्छी है। पूरा डबल का डिफरेंस है। 3000 की है और ये 1500 की है। बाकी इसका फिट वगैरह बहुत अच्छा है एंड ये स्ट्रेचेबल भी है। H&M का बस एक ही मेरे को ड्रॉबैक लगता है, बस वो ना हल्की सी है, तो ये भी थोड़ा सो है, ये भी मतलब ठीक है। बट अगर मेरे को ज़ारा और H&M में से आप पूछोगे तो मैं H&M ही आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। बाकी इसका फिट वगैरह बहुत अच्छा है। और इसका भी जो मैंने साइज़ लिया है ज़ारा से, वो मैंने लिया है 40 साइज़। इसमें ना नीचे कुछ ऐसे रफली वाली जो डिटेलिंग होती है ना, वो है। तो पहनने के बाद ये वाली जीन्स भी काफ़ी अच्छी। कलर दोनों का अलग है तो इसलिए मैंने दोनों ही रख ली है। अच्छा, ये वाली जो H&M वाली है ये मैंने मिंत्रा से ली है। लिंक आपको सारे प्रोडक्ट के नीचे मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर लेना। नेक्स्ट मैंने जो ली है वो है ये ससाफ्रस का एकदम सॉलिड ब्लू जीन्स। बट इसमें एक छोटा सा डिटेलिंग है जो मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था ना, क्यूट लग रहा है ना। यहाँ पे ऐसे हार्ट बने हुए हैं एंड इस पर हार्ट के बराबर में ना ऐसे स्टोन है। तो है तो बिल्कुल बेसिक, और ये वाइड नेक है। और बस इसमें जो ये हार्ट की डिटेलिंग है ना, उससे मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। मतलब ऐसे नहीं है मैं बहुत सारा ऐसे जो तामझाम टाइप का जीन्स हो वो नहीं पहनती, थोड़ा सा मैं बेसिक जीन्स ही ट्राई करती हूँ जब भी पहनती हूँ। बट इसमें इतना तामझाम नहीं था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका साइज़ मैंने लिया है मीडियम। और बाकी पहन के देखते हैं कि फिट कैसा आ रहा है और ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है। अभी तो मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। मतलब इसके साथ ना कोई ऐसे अगर पार्टी शार्टी में भी जाना है तो भी कुछ जीन्स चाहिए जो थोड़ा हटके हो, बिल्कुल बेसिक ना हो, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसमें जो इसका जो प्राइस है वो तो 2300 है, लेकिन मैंने आई थिंक इसको 1000 रुपीज़ के अप्रॉक्स खरीदा है शायद। मिंत्रा पर सेल चलती रहती है, आपको पता ही है। तो इस वाली जीन्स को ज़रूर ट्राई करो। नेक्स्ट मैं जो आपके साथ शेयर करूँगी वो है ये, एक्चुअली रेड कलर नहीं है, थोड़ा सा रस्ट ऑरेंज भी नहीं है, मरून सा कुछ कलर है ये। और ये पेपर बैग जीन्स है। यहाँ पर इसमें ऐसे बटन्स की डिटेलिंग है, ऊपर 2 ये लूप दिए हुए, आगे यहाँ पॉकेट है, पीछे इसमें इलास्टिक है, पीछे पॉकेट नहीं है, बस ऐसे डिजाइन दिया हुआ है। आगे यहाँ पे ऐसे पॉकेट है, ऊपर से ऐसे कट है। जो इसका ये वाला है ना बेल्ट, वो थोड़ी सी ब्रॉड है। ये बैगी स्टाइल में है, मतलब जैसे पेपर बैग जीन्स होती है ना बैगी स्टाइल में, वैसी वाली है। तो बहुत कूल लग रही है। इसमें ग्रीन कलर भी अवेलेबल है। काफी टाइम पहले, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, इसका मैंने ग्रीन कलर लिया था। अभी तो मेरे को थोड़ा छोटा हो गया है तो रखा है वो, तो मैंने उसका इस बार ये रेड कलर में लिया है। कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे बहुत ही ब्राइट सा भी रेड नहीं, जैसे बहुत ब्राइट रेड होता है। अभी अब देखो मैंने ये रेड पहना हुआ और इससे कितना ज्यादा अलग लग रहा है, तो बहुत सही लगी है मुझे ये वाली। और इसको आप नीचे से फोल्ड वगैरह करके पहन सकते हो। लुक इसका बहुत अच्छा है। कलर अगर आप जीन्स ढूंढ रहे हैं इसमें, तो आप इसको मैं जरूर आपको बोलूंगी कि आप जरूर चेक कर सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी है, अंडर 1000 रुपीज है ये भी। लास्ट अब जो मैं जीन्स आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे मैंने आपको बोला था बहुत सारी नहीं करूंगी, लेकिन बेसिक जीन्स करूंगी जिसको आप जरूर चेक कर सकते हो, वो है ये बूटकट जीन्स। मैं बहुत टाइम से एक अच्छी बूटकट जीन्स लेने का सोच रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रही थी अफोर्डेबल प्राइस में। महंगी तो मिल जाएंगी। अब देखते हैं कि पहनने के बाद ये कैसी लग रही है। लुक तो इसका बहुत अच्छा है। ब्रांड इसका कोटी है। साइज मैंने अगेन इसमें अपना 30 मंगाया है। आगे यहाँ पे इसमें यहाँ से पॉकेट की डिटेलिंग है फ्रंट पे इसमें, और यहाँ लूप है, क्लोजर के लिए बटन है एंड चेन है। पीछे भी इसमें से पॉकेट की डिटेलिंग है एंड जो थ्रेड की है वो ब्लैक कलर के थ्रेड से इसमें डिटेलिंग है। जो थ्रेड है मतलब अलग कलर से, तो काफी अच्छा लग रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद मेरे को थोड़ा सा जो टमी एरिया है जो मेरा हिप्स वाला है वहां से टाइट हो सकती है। और ये स्ट्रेचेबल नहीं है बिल्कुल भी। जो मैंने आपको ससाफरस वाली और जो रेड वाली दिखाई थी वो थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचेबल है, लेकिन जो ये ब्लैक वाली है बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है। तो उसी अकॉर्डिंग आप देखना। बाकी इसका जो लेंथ है वो मेरे को लगता है कि अगर आपकी हाइट 5'6" 5'7" है तो भी आपको ये अच्छे से आ जाएगी, मतलब आपको लेंथ इसकी छोटी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपके साथ एक जीन्स और शेयर करूंगी, काफी टाइम मैंने मिंत्रा से ली थी। ये H&M की है। आपने बहुत बार देखा होगा मेरे को इसको वियर किए हुए, ये बहुत सही लगते हैं। यहाँ पे इसमें ऐसे पूरे पे ऐसे रिब वाली डिटेलिंग है। आई थिंक मैंने 2300 की ली थी और मैंने 2-3 साल पहले ली थी और इतना सही रहती है। अभी मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ वाली जीन्स की H&M की जीन्स एक बार आप परचेज कर लोगे, थोड़ी एक्सपेंसिव तो होती है लेकिन वर्थ होता है उसका। मतलब आप उससे चट जाओगे, बोर हो जाओगे, लेकिन जीन्स खराब नहीं होती। उसी में से मेरी एक ये भी जीन्स है और इस ये वाली में आई थिंक कलर अवेलेबल है। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगी, वहाँ पे आप उसको चेक कर लेना। और अभी मेरी गर्मी में बिल्कुल ऐसे हालत खराब हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सर पे भी अंडा डालोगे ना तो उसका ऑमलेट बन के आ जाएगा, इतना ज़्यादा गर्म हो गया है, पता नहीं कैसे। तो ये था सारा जीन्स का कलेक्शन। छोटा सा था लेकिन बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी यूजफुल है ये जीन्स जो मैंने आपके साथ शेयर की है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेक कर लेना। और गाइस अभी मैंने रेड इसीलिए पहना है कि आपको सब कुछ रेड पहना है। जो रेड कलर का साइड बटन दिख रहा है ना उसको प्रेस करो। अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज गाइस सपोर्ट कीजिए जैसे आप पहले करते थे। अभी मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मुझे आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाऊंगी तो अच्छा नहीं रहेगा ना। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का उसको दबा के एंड कॉमेंट लाइक सब कीजिए। तो मिलती है आपको एक अच्छे से कलेक्शन के साथ फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।